हर साल की तरह 2021 भी कई खट्टी मीठी यादें लेकर गया है। बॉलीवुड हो या टीवी, सेलिब्रिटीज हमेशा अपने एक्टिंग से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं। ये साल बहुत से फिल्मी सितारों के लिए काफी खास रहा। ऐसा ही कुछ हुआ इस पूरे साल में जब कोरोना का कहर बरकरार था, लेकिन इसी बीच कई लोगों ने अपने प्यार का इजहार भी किया और बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री में कई कपल्स ने शादी करके अपना घर बसा लिया। ऐसे में आज हम आपको उन सितारों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने साल 2021 में शादी की। वरुण धवन और नताशा दलाल। साल 2021 की शुरुआत में फैशन डिजाइनर नताशा दलाल ने बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन के साथ सात फेरे लिए। वरुण धवन और नताशा ने महाराष्ट्र के अलीबाग में एक अंतरंग समारोह में शादी की। अपने गुप्त शादी के इस जोड़े की नो फोटो पॉलिसी थी, लेकिन उनमें से कुछ फोटो एक्टर वरुण ने अपने इंस्टा पर पोस्ट की थी, जिन पर उनके फैंस ने जमकर कमेंट भी किए थे। अपनी शादी के दिन नताशा दलाल ने ड्यूल टोन सिल्वर और गोल्ड के साथ पेल गोल्ड लहंगा पहना था। उनके आउटफिट को डायमंड ज्वेलरी, डायमंड नेकलेस के साथ एमराल्ड पेंडेंट, पर्ल ड्रॉप इयररिंग्स, मांग टिक्का और सिल्वर कलीरे के साथ जोड़ा गया था। वास्तव में मिनिमम मेकअप में नताशा बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। दिया मिर्जा और विवेक रेखी। साल 2021 में खूबसूरत दुल्हन बनने वाली एक सेलिब्रिटी दिया मिर्जा भी थी, जिन्होंने अपने प्यार विवेक रेखी से 15 फरवरी को शादी कर ली। दिया मिर्जा ने शादी में लाल जोड़ा पहना था और उनकी शादी की खास बात ये थी कि उनकी शादी में न विदाई की रस्म हुई थी और न ही कन्यादान किया गया था, बल्कि एक महिला पंडित ने उनकी शादी करवाई थी और शादी उसी लॉन में संपन्न हुई जिसमें दिया पिछले 19 साल से अपना सुबह का समय बिताती है। यामी गौतम और आदित्य धर। इस साल एक्ट्रेस यामी गौतम भी दुल्हन बनी और उन्होंने राइटर और डायरेक्टर आदित्य धर के साथ 4 जून को फेरे लिए। यामी ने हिमाचली रीति रिवाज के साथ अपने गांव में गुपचुप तरीके से शादी की। शादी की तस्वीरें यामी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जहां मेहंदी की रस्म में यामी गौतम पीले सूट में नजर आ रही थी। वही उनके साथ पति आदित्य धर बैठे हुए नजर आ रहे थे। अपनी सीक्रेट वेडिंग के लिए यामी गौतम ने मैचिंग ब्लाउज और घूंघट के साथ डीप रेड सिल्क की साड़ी पहनी थी। आपको बता दें उनकी शादी की साड़ी उनकी माँ की 33 साल पुरानी साड़ी थी। उन्होंने अपने लुक को बड़ी नोज रिंग, मांग टीका, चोकर और लंबे नेकलेस से एक्सरसाइज किया था। राहुल वैद और दिशा परमार। साल 2021 में दुल्हन बनने वाली सेलिब्रिटीज में से एक दिशा परमार भी थी। दिशा परमार ने 16 जुलाई को सिंगर राहुल वैद्य के साथ एक ग्रैंड लेवल वेडिंग की, जिसमें उनके कई दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। राहुल और दिशा की शादी की सभी रस्मों की फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी और उनके फैंस ने उनकी खूब प्रशंसा भी की थी। अपनी शादी के दिन दिशा परमार ने लाल जूड़ा पहना था और मिनिमम मेकअप के साथ बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। राजकुमार राव और पत्रलेखा। हाल ही में एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस पत्रलेखा ने शादी की है। पत्रलेखा ने एक्टर राजकुमार राव के साथ 15 नवंबर को चंडीगढ़ के एक रिजॉर्ट में शादी की। उनकी शादी में खास दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और उनके फैंस ने जमकर कमेंट्स भी किए। अपनी शादी के दिन खूबसूरत ब्राइड पत्रलेखा ने एक पारंपरिक लाल ट्यूल कढ़ाई वाली बूटी साड़ी पहनी थी, जिस पर कुछ बंगाली कविता की लाइंस लिखी हुई थी। उनकी शादी के इस जोड़े को सव्यसाची ने डिजाइन किया था। ब्राइडल कपड़ों के साथ उन्होंने सोने में दस्तकारी सव्यसाची हेरिटेज ज्वेलरी पहनी थी। श्रद्धा आर्य और राहुल शर्मा। कुंडली भाग्य की प्रीता के नाम से जानी जाने वाली एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य ने हाल ही में दिल्ली के रहने वाले एक नेवी अफसर राहुल शर्मा से 17 नवंबर को शादी की। शादी के दिन श्रद्धा ने जहां एजाज कौचूर का हैवी एम्बर्ड मैरून लहंगा पहना था, वहीं वो अपनी मेहंदी के दिन की फोटो की में सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही उनके वेडिंग आउटफिट में हर तरफ खूबसूरत जरदोजी वर्क था। होलका और मोतियों में अलंकृत लेयर्ड नेकलेस के साथ उनके लुक को एक्सेसराइज किया जा रहा था। उन्होंने चोकर सेट, मांग टीका और नथ भी पहनी थी, जो किसी भी दुल्हन को परफेक्ट ब्राइडल लुक देने के लिए काफी है। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा। टीवी शो गुम है किसी के प्यार में के लीड स्टार्स नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा भी एक दूसरे के हो गए। उन्होंने 30 नवंबर 2021 को सात फेरे लिए। सायंतनी घोष और अनुराग तिवारी। साल 2021 में दुल्हन बनने वाली सेलिब्रिटीज ब्राइडल में टीवी एक्ट्रेस सायंती घोष का एक नाम और जुड़ गया। टीवी सीरियल नागिन में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी सायंती घोष ने 6 दिसंबर को अपने बॉयफ्रेंड अनुराग तिवारी के साथ सात फेरे लिए हैं। आपको बता दें कि सायंती घोष ने कुछ खास मेहमानों की उपस्थिति में बड़ी ही सादगी के साथ शादी की। सायंती ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें वो लाल शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। लाल गुलाब का गजरा उनके ब्राइडल लुक को और परफेक्ट बना रहा है। कैटरीना कैफ और विकी कौशल। अपनी शादी को लेकर काफी दिनों से चर्चा में रही बॉलीवुड की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने 9 दिसंबर को एक्टर विकी कौशल से शादी कर ली। कैटरीना कैफ अपने इंस्टाग्राम पर शादी की कई खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की,
जिसमें वो लाल रंग के जोड़े में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी सवाई माधोपुर के होटल सिक्स सेंसेस फोर्ट में हुई और कैटरीना कैफ का लहंगा डिजाइनर फाल्गुनी और शेन पिकॉक ने तैयार किया था। विकी कौशल ने एक्ट्रेस से मैच करने के लिए शेरवानी पहनी थी जिस पर गुलाब लगाए गए थे। कैटरीना कैफ शादी में बेहद खूबसूरत नजर आई और उनके फैंस ने जमकर उनकी तारीफ की। अंकिता लोखंडे और विकी जैन। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक अंकिता लोखंडे ने 14 दिसंबर को अपने बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ सात फेरे लिए। शादी की सभी रस्मों में शुरुआत से ही अंकिता अपनी शादी की तैयारियों को लेकर काफी एक्टिव दिख रही थी और दोनों सोशल मीडिया पर लगातार अपनी फोटो पोस्ट कर रहे थे। अंकिता लोखंडे ने अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं और शुरुआत से ये जोड़ा शादी की हर रस्म को बहुत एंजॉय कर रहा है। अंकिता और विकी जैन की शादी मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में बेहद खूबसूरती के साथ हुई और इस जोड़े के साथ सभी मेहमानों ने शादी का पूरा मजा उठाया। तो ये थी साल 2021 के कुछ सेलिब्रिटीज की शादियां जिन्होंने अलग अलग तरीके से इस साल सात फेरे लिए और सबके लिए स्टाइल आइकन बनी।